पंजाब और हरियाणा राज्य में जल प्रबंधन के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पंजाब और हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन की चुनौतियों और कार्यनीति पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था आने वाले समय में पानी को किस तरह बचाया जा सके। यह आयोजन सेक्टर 10 के माउंट व्यू होटल में किया गया। पानी न केवल कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि मानव जीवन के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण है। देश में जल संरक्षण के लिए भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप नाबार्ड ने राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए योजना शुरू की है। इस अवसर पर बोलते हुए नाबार्ड के पंजाब रीजनल ऑफिसर के जनरल मैनेजर रघुप्ति ने बताया कि नाबार्ड ने पहले ही जिला स्तर पर इस एजेंडे पर काम शुरू कर दिया है। राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें जल प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान में अनुभव वाली जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है ताकि वह अवसर पर अपनी राय को साझा कर सके और विचारों का सार्थक आदान प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी के लिए पानी का संरक्षण करना व साथ ही साथ पानी बचाने के लिए क्या उपाय किया जा सकते हैं उसके लिए चर्चा की। ये वाटर कैंपेन, वाटर अवेयरनेस कैंपेन सारा पंजाब और हरियाणा में बहुत इंटेंसिवली कर रहे हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विलेज लेवल में हमारा पार्टनर्स के साथ जुड़ के हम ये वाटर अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। इसके संबंध में और यही सिलसिला में हम आज एक स्टेट लेवल सेमिनार कर रहे हैं जहाँ पे थॉट लीडर्स है, जो अकेडमिशियंस है, वो प्रैक्टिशनर्स है, जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस किया है ग्रास रूट लेवल में, उनको एक फोरम दे के यहाँ पे एक सेमिनार कर रहे हैं, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज फॉर मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज इन पंजाब एंड हरियाणा। ये इसी सिलसिला में आज एक सेमिनार चंडीगढ़ में हो रहा है। प्रवीण कुमार के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट, नाशिक।